गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन एंड वी डिस्कस एग्जांपल नंबर 9। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखा था। आज बात करेंगे एग्जांपल नंबर 9, उसमें क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन में एक फार्मूला का यूज किया था, उसमें एक फार्मूला थी, मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, नॉर्म dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर है आपके पास ऐसा कोई फॉर्म है तो आप क्या करोगे, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर फॉर इनटू फर्स्ट टर्म। ओके, ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। तो उसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में लिखा है dx डिवाइड dx डिवाइड में अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां पर कंपेयर करो, तो dx जो dx है अंडर रूट यहां पर ax और dx प्लस c है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 2x और कांस्टेंट टर्म कोई नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को 0 बना के लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर फॉर इनटू फर्स्ट, ओके। तो यहां पर सॉल्व कर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर फॉर इनटू फर्स्ट टर्म, ओके। हियर मिडिल टर्म इज माइनस 2x होल स्क्वायर फॉर इनटू फर्स्ट टर्म, फॉर इनटू फर्स्ट टर्म इज 5x, ओके। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट कर दी, -2x होल स्क्वायर फॉर इनटू फर्स्ट टर्म। सॉल्यूशन करें क्या होगा, -2x होल स्क्वायर 4x डिवाइड में 4 5 7 4 5 7 20x के, ओके। यहां से x2 से हम सो बढ़ जाएंगे, सो 1/5 बन गया। लास्ट टर्म क्या मिला हमें, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1/5। तो हम लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे 5x में -2x और जो 1/5 आया है पॉजिटिव आ रहा है, सो हम लिखेंगे 1/5। उसके बाद जीरो वैल्यू कब आएगी, तो 1/5 तो पड़ा है आपके पास, 1/5 तो पड़ा है, उसमें माइनस कर और प्लस जीरो को, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/5। तो यहां पर लिखेंगे -1/5 इक्वल टू 0, ओके। देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 0 के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 5 5 25x स्क्वायर माइनस 5 10x प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, कैसे, जैसे कि 25x स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर 5x माइनस 1, तो 1 उसका होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो आप 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 की जगह क्या लिख सकते हो, आप 5x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं आगे इंटीग्रेशन लिखता हूं, I is equal to integration में 1 upon under root क्या लिख सकते हैं, 5x square minus 1 square, 5x square minus 1 square into dx, ठीक है, ऐसा form कर दिया। उसके बाद next है 5x square और 5x minus 1 is equal to, जैसे कि मैं b suppose करता हूँ, ले 5x minus 1 is equal to t suppose, ठीक है। तो आगे उसका derivative क्या होगा, 5 dx by dt minus 0 is equal to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। अब क्या चाहिए dx की value, तो हम लिखेंगे 5 dx is equal to dt, therefore d
dt dx is equal to 1 by 5 into dt. Okay, dx equal to 1 by 5 dt लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं, I is equal to 1 upon under root 5x minus 1 is all t. तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, t square minus minus 1 square, so 1 square. और dx इधर क्या लिखेंगे, 1 by 5 into dt. ओके, तो 1 by 5 जो है कांस्टेंट वाले, तो 1 by 5 कांस्टेंट अंदर क्या बचेगा, 1 upon under root t square minus 1 square into dx. ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या फॉर्मूला बन रहे हैं, कौन से x square minus a square. तो we know that यहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट में 1 upon under root में अगर x square minus a square dx बड़ा है तो आप क्या लिखोगे, log x plus under root x square minus a square plus c. ओके, ऐसे फॉर्मूला है हमारे पास, अंडर रूट में x square minus a square dx is equal to log x plus x square minus a square अंडर रूट में plus c. ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला है अंडर रूट 1 by 5 log मोड में x, और x is for t, उसके बाद plus, तो plus अंडर रूट में x square minus a square अंडर रूट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर x square is what t square minus 1 और प्लस मोड ऑफ कंप्लीट और सी. ओके, बाद में डिग्री वैल्यू रख दो कि 1 by 5, बाद में डिग्री वैल्यू क्या है, देखो 1 by 5 log मोड में t is what, तो t is यहां पर हमने 5x minus 1 सपोज किया है, तो लिखिए 5x minus 1. ओके, प्लस t square, t square is 5x minus 1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे. तो इस पे मींस क्या लिखेंगे, 5x minus 1 का होल स्क्वायर और minus 1 minus 1 और plus c. ओके, तो अगर यहां पर आपको सॉल्यूशन करना है तो कर सकते हो. ठीक, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 1 by 5 log, यहां तक आप आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, और आगे सॉल्यूशन करके आंसर लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, 5x minus 1 plus यहां पर क्या होगा, 5x minus 1 का होल स्क्वायर, 25x square minus 5 is 10x plus 1 minus 1 plus c. तो 1 by 5 log यहाँ पर क्या होगा, 5x minus 1 plus 25x square minus 10x plus c, minus 1 plus 1 का होता है. ठीक है, अब यहाँ से 25x square minus 10x पड़ा. ठीक है, तो यहाँ से 5 को common लेते हैं, क्या होगा, 5 को कॉमन लेते हैं, तो 5 का 1 by 5 log 5x minus 1 plus, यहां से अगर मैं 5 को कॉमन लेता हूं और उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट में 5 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 5x square minus 5x square अंडर रूट 5x कॉमन, अंडर रूट 5x कॉमन ले सकता, तो क्या होगा, 5x minus क्या हो जाएगा, 2 plus c. ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रूट 5 है और यहाँ पर 1 बाय 5. ठीक है, तो ये 1 बाय 5 अंडर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी चलेगा, या तो रहने दो तो भी चलेगा. ठीक है, तो यहाँ तक आप आंसर ले सकते हो. क्लियर, तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, बाद में सॉल्यूशन करके यहाँ से यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो. ओके ओके, तो आपका आंसर क्लियर हो गया. एग्जाम्पल 9 थर्ड नंबर, वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मेथड वन से लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर फॉर इनटू फर्स्ट टर्म. कब आएगा, तो व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन. ओके, तो राइट नंबर नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 10. एग्जांपल नंबर 10, उसमें मेथड कौन सी यूज करनी है, तो उसमें एक नई फॉर्मूला है जिसमें हमने 8 तक देखा था फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पर मैं नॉट लिख रहा हूँ. एग्जाम्पल 10 में कौन सी आप फॉर्मूला यूज करोगे उसमें नॉट लिख रहा हूँ, कि अगर इंटीग्रेशन में पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म है, इंटीग्रेशन में पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म है और उसके नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
dx square plus dx plus same into dx, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन के अंदर कोई इंटीग्रेशन में px plus 2 फॉर्म है और ax या px plus c into dx, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्म है तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे px plus q is equal to a d by dx of ax square plus bx plus c plus bd, ठीक है। तो ये मेथड से आपको कंप्लीट करना है एग्जांपल नंबर 10। कैसा होगा, px plus q फॉर्म है तो px plus q लिख दो is equal to a into d by dx ax square plus bx plus c plus b, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, पर भी अंदर रख, ठीक है। कैसे होगा, एग्जांपल 10 देखो, उसमें फर्स्ट नंबर है x plus 2 into dx I is equal to इंटीग्रेशन में x plus 2 into dx डिवाइड में 2x square 6x plus 5, 2x square plus 6x plus 5, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को यहाँ पर यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से हम कंपेयर करें तो क्या होगा, px plus q, तो px plus q means क्या है, x plus 2 लिखा है ऊपर, ax square bx plus c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए है px plus q is equal to a d by dx of ax square bx plus c plus b, ओके। उसके हिसाब से आपको जानना है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x plus 2 is equal to e, e means e d by dx, d by dx of क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा लिखना है यहां पर, 2x square plus 6x plus 5 plus b, ओके। अब इसको सॉल्व करो, क्या लिखेंगे, x plus 2 is equal to e, e यहाँ पर d by dx of 2x square, 2x square का d by dx of क्या होगा, derivative क्या होगा, 2x square, 2 plus 4x plus 6 plus 0 plus b, ओके। सो आगे लिखेंगे x plus 2 is equal to is इसे मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 4ax plus 6a plus b, ओके, 4ax plus 6a plus b हो जाएगा। अब यहां पर मेरे को a और b की वैल्यू लानी है, तो क्या होगा, तो जैसे कि आपने प्रयोग यहां पर कि x का कोएफिशिएंट, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, ओके। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर ऑफ कोएफिशिएंट x, देखिए कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ओके, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे और x का कोएफिशिएंट जो है उसको लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, 4a is equal to 1 हो जाएगा, 4a equal to 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, 6a plus b equal to 2 है यहां पर, तो 2, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a is कितना होगा, 1 by 4 is equal to कितना हो जाएगा, 1 by 4, देखो a की वैल्यू मिल गई, अब b लाना है यहां पर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 6a is 1 by 4 plus b is equal to 2, therefore b is equal to क्या आएगा, 2 minus 6 by 4, 2 minus 6 by 4, तो यहाँ पर solution तो 4 plus 8, 8 minus 6, 8 minus 6, 2 by 4, so b is equal to 1 by 2, okay, तो यहाँ पर b की value कितनी मिली, 1 by 2 और a की value मिल गई है 1 by 4, okay, वो integration कर दिया, कैसे, तो लिखा है यहाँ पर I is equal to integration में x plus 2 divided by 2x square plus 6x plus 5 into dx, ठीक है। तो उसकी जगह क्या लिखा है हमने, a d by dx, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, a d by dx, तो हमने लिखी a integration d by dx of 2x square plus 6x plus 5 और नीचे यहाँ पर वैल्यू और प्लस b, ओके। तो
इंटीग्रेशन में हो जाएगा पूरा, तो ऐसा नहीं हो तो भी चलेगा या तो ऐसा नहीं हो तो भी चलेगा। क्लियर? तो सर आगे लिखेंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1/4 डिवाइड में ऐसा लिखो, ये स्टेप कैंसिल कर दो। स्टेप के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए a लिखो, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 है, ठीक है 1/4। उसके नीचे 1/2x² + 6x + 5 dx + b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे 1/2x² + 6x + 5 dx। ओके, और क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा d/dx of 2x² + 6x + 5 ऐसे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप राइट डाउन करो और उसके बाद हम आगे सॉल्यूशन करते हैं कि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें फिर से प्रॉपर्टी नंबर जो 7 थी हमारा कि कोई भी इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लास्ट टर्म के हिसाब से कैसे सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करो। अब देखो ये फॉर्म की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, या तो x+2, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या लिखा है x+2, तो x+2 की जगह हमने लिखा है a (4x + 6+b) लिखा है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये स्टेप भी लिख सकते हो 1/4 x + 2, तो x+2 की जगह क्या लिखेंगे 4x + 6 डिवाइडेड में क्या होगा 2x² + 6x + 5 dx plus b is 1, तो b is 1/2, उसके नीचे 1/2 करके 2x² + 6x + 5 dx लिख सकते, ठीक है, ये स्टेप भी लिख सकते हो या ये स्टेप भी लिख सकते हो, कोई भी चलेगा, ठीक। अब देखो 1/4 और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसको मैं लिख देता हूँ i1 + 1/2, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसको लिख देता हूँ i, ठीक है, यहाँ पर नंबर 1। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे i1 यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो i1 का इंटीग्रेशन हम चेक कर लेते हैं, i1 is equal to इंटीग्रेशन 4x + 6 / 2x² + 6x + 5 dx। ओके, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 हो रहा है 4x, 2 4x + 6 यानी कि डिवाइड में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, यानी कि हम लिखेंगे 2x² + 6x + 5 = t, सपोज करो उसके बाद क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 4x + 6 dx = dt। हमें क्या चाहिए 4x + 6 dx = यहाँ पर dt लिख सकते, ठीक है, तो i1 का आंसर होगा i1 4x + 6 dx = dt यानी कि 1/t (dt) हो जाएगा 1/t (dt), सो i1 का आंसर मिलेगा हमें i1 = 1/t का होगा log|t + c यानी लिखेंगे log|t is 2x² + 6x + 5 + c। ओके, तो i1 का जो आंसर है वो यहाँ पर रख दो, तो टोटल आंसर क्या मिल जाएगा, टोटल आंसर मिलेगा 1/4, चलो यहाँ पर है इसको नंबर 2, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो जो आंसर है वो कहाँ पर रखेंगे i1 के साथ, तो i1 की जगह ये आंसर लेंगे। उसके बाद i2 फाइंड करना है, तो i2 कैसे फाइंड होगा 1/2x + 6x + 5, तो लास्ट टर्म के हिसाब से हम फाइंड करेंगे, लास्ट टर्म इसी पर क्या हो जाएगा मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 × फर्स्ट टर्म, जो अगले एग्जाम्पल में हमने कंप्लीट किया, ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लेते हैं आई और दोनों का आंसर कंबाइन करके फाइनल आंसर हम लेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप राइट। ओके, सी है यहाँ पर i1 का आंसर कंप्लीट आ गया है सेकंड नंबर, उसके बाद i2, तो i2 कैसे फाइंड करें, तो i2 = क्या लिखा है
1 upon 2x square 6x plus 5, 2x square plus 6x plus 5 into dx, ठीक है, 6x plus 5 into dx. तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन में लास्ट टर्म क्या होता है? तो हम लिखेंगे लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 इनटू फर्स्ट टर्म, ठीक है. तो मिडिल टर्म होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 6x होल स्क्वायर 4 इनटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 2x, ओके. तो टोटल आंसर क्या बन जाएगा, 36x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टू सर 4 इनटू 2x स्क्वायर, यहां से x का x का कट हो जाएगा, 4 9 है 36, तो 9 बाय 2 आंसर आ रहा है, ठीक है. तो यहां पर सबसे पहले ऐसा लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, उसमें लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बाय 2, ओके. फर्स्ट टर्म लिखा, सेकंड टर्म लिखा, 9 बाय 2 लिखा पॉजिटिव में, उसके बाद 5 लाने के लिए क्या होगा, माइनस 9 बाय 2 प्लस 5 करो, तो 9 बाय 2 प्लस 5 इज इक्वल टू आंसर क्या होगा, माइनस 9 प्लस 10 बाय 2, यानी हमारा आंसर होगा 1 बाय 2, ओके. तो यहां पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0. बाद में चेक कर सकते हैं, 9 प्लस 1 तो 10 हो जाएगा, 10 बाय 2 यानी कि 5 हो गया, यानी कि ये हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. कैसे बनेगा, जैसे कि यहां से 2 कॉमन निकाल लो, सॉरी 2 से और 2 को एलसीएम लो, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 4 6 जा 12x प्लस 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब परफेक्ट स्क्वायर को निकालो, तो 4x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है 2x और 9 जो है वो 3 का प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसा हुआ, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके. तो जो i2 में क्या लिख सकते हैं, i2 में ये लिख सकते हैं हम 1 upon 2x plus 3 whole square plus 1 square into dx, clear. तो अब देख सकते हो आप कि 2x plus 3 जो है उसकी जगह हम t सपोज करेंगे, या तो x square plus a square वाले फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर कोई एफिशिएंट में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है. तो 2x plus 3 ले, 2x plus 3 is equal to t सपोज किया, so 2dx is equal to क्या हो जाएगा, dx. तो हमें क्या चाहिए, dx, dx is 1 by 2 into dt आ जाएगा. तो dx की जगह लिख दो 1 by 2 dt, और यहाँ पर 1 by t square plus 1 लिख दो. तो यहाँ पर टोटल आंसर क्या मिलेगा, आई का तो आई को तो ऐसा तैयार होगा फॉर्म 1 by t square plus 1 square into 1 by 2 dt, ओके. अब देख सकते हो 1 by 2 is constant, तो बाहर आ जाएगा 1 by 2 बाहर ले लो, 1 upon t square, t square स्क्वायर प्लस प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू डी. अब फार्मूला बन सकते हैं क्या, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला क्या है, 1 upon a tan इनवर्स x upon a plus c, ऐसे फार्मूला हमने अपने वीडियो में समझाया कि 1 by 2 tan इनवर्स t इज व्हाट, तो t इज हमारे पास 2x plus 3 है, तो यहां पर इक्वल टू 2x plus 3 plus c, यानी कि i2 का जो आंसर मिला है वो क्या है, 1 by 2 tan inverse 2x plus 3 plus c, ओके. okay, तो i2 का आंसर थर्ड नंबर में से और i1 का आंसर सेकंड नंबर में से ले सकते हो, और टोटल आंसर 1 by 4 i1 plus 1 by 2 i2 में रख दो, ओके. तो आंसर में क्या हो जाएगा, 1 by 4 i1, 1 by 4 i1 is what, तो i1 is log log 2x square plus 6x plus 5, okay, plus 1 by 2, 1 by 2 or 1 by 2, क्या हो जाएगा, 1 by 4, log 1 by 4 i2 है, जो 10 inverse 2x plus 3 plus c, okay, यहां से 1 by 4 को common निकाल देता हूं, 1 by 4 को common, so log 2x square plus 6x plus 5 plus 10 inverse 2x plus 3 plus c, ओके. तो ये आपका आंसर बन जाएगा 1 by 4 log 2x square plus 6x plus 5 plus 10 inverse 2x plus 3 plus c, ओके. तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 10 वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है. तो आप राइट करो.